नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ अभिषेक कुमार और वक्त है आज के ताजा तरीन खबरों का। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिसके उपलक्ष्य में पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट 2022-23 में ग्रोथ को गति देने के तरीके पर आयोजित एक वेबिनार को आज संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लखनऊ में पैदल मार्च करेंगी, जिसमें पूरे देश से कांग्रेस की निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि शामिल होगी। आज के बाद से पेट्रोल डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जहां पेट्रोल डीजल के दाम 25 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 14 साल के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचा है। यूक्रेन में फंसे छात्रों की सकुशल घर वापसी को लेकर हरियाणा के सिरसा में आज सिटीजन फोरम शांति मार्च निकालेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उज्जैन जाएंगे, जहां वह वरिष्ठ पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज अपना जन्मदिन पाटन में मनाएंगी और इस उपलक्ष्य में बूंदी के केशव राय पाटन में बड़े स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के अम्बाह में आज सांसद नेत्र शिविर कैंप का आयोजन होगा। नेत्र कैंप का आयोजन भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने को लेकर आश्वस्त हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मतदान के बाद आए रुझान भाजपा के पक्ष में है और हम फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में आयोजित पार्टी के 23वें राज्य सम्मेलन में पहुंचे वामपंथी दल CPIM नेताओं ने एक सुर में वर्तमान केंद्र तथा बिहार सरकार के नीतियों की आलोचना की और CBI व ED को केंद्र सरकार का लठैत कहा। दिल्ली के परिवहन मंत्री सत्येंद्र जैन ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, इससे लोगों का सफर आसान होगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। पंजाब के चंडीगढ़ में 12 साल बाद फिर से ट्राई सिटी में मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो गया है और कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में 10 मार्च को होने वाली मतगणना के दिन 500 पुलिस ऑफिसर और कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही PSC की 2 कंपनियां भी तैनात रहेगी। झारखंड के विधायक सरयू राय ने कहा कि सभी दल साथ मिलकर एक तीसरे मोर्चे का गठन करें और राज्य सरकार की अव्यवस्था के खिलाफ सदन में आवाज उठाएं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सरकार के समावेशी विकास के मॉडल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य जनहितकारी विकास के लिए देश और दुनिया में अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है। SGSITS इंदौर में 14 मार्च से पूरी क्षमता से शुरू होगी ऑफलाइन कक्षाएं, जबकि संस्थान BTech और BPharmacy के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 23 मार्च से कॉलेज परिसर में नियमित कक्षाएं लगाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना में 10 से 21 मार्च तक आयोजित होने वाले डेरा बाबा बड़ भाग सिंह होली मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज से 23 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में अब सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। आपको बता दें कि अब तक कुल क्षमता के सिर्फ 25% लोगों को ही जाने की अनुमति थी। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला में इस वर्ष महिला शिक्षा में जबरदस्त सफलता प्राप्त हुई है। यहाँ रिकॉर्ड संख्या में छात्राएं इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा दे रही है। ओडिशा में 24 मार्च को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होगा, जिसके लिए SOP जारी कर दिया गया है। OBC आरक्षण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पारित हुआ, जहां इस विधेयक के बाद अब राज्य में 27% OBC आरक्षण के साथ निकाय चुनाव हो सकेंगे। गुजरात के आनंद जिले के बल्लभ विद्यानगर स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर सलीस कुलकर्णी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट से अयोग्य ठहराए जाने के बाद आर्ट्स फैकल्टी के डीन डॉक्टर निरंजन पटेल को प्रभारी कुलपति नियुक्त किया गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आगामी 2 दिनों में यूक्रेन और रूस विवाद के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश लाने की कवायद में और गति लाई जाएगी। दोनों देशों से लगातार संपर्क बनाया जा रहा है। रंजीत जिंगर की रिपोर्ट। राजस्थान में रॉ समाज का प्रदेश स्तरीय स्नेह मिलन समारोह उदयपुर के गुडली स्थित पद्मनी बाग में कुंवर गगन सिंह राव के मुख्य संरक्षण एवं नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम से लौटे वरिष्ठ समाज सेवी गोपाल सिंह राव ने बताया कि कार्यक्रम में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत उदयपुर, जालोर, सिरोही, पाली सहित कई जगहों से रॉ समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग शामिल हुए। दिलीप मिश्रा की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के थाना बंदुआ कला अंतर्गत दाऊदपुर पुल के समीप उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नहर के बहते हुए पानी में एक युवती की लाश दिखाई दी। प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रेस क्लब की मासिक बैठक में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अमित श्रोतिये को अध्यक्ष, ऋतुराज रजावत को वरिष्ठ महामंत्री, पंकज गुप्ता को महामंत्री और उमाकांत द्विवेदी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, आदर्श तिवारी को कोषाध्यक्ष, जबकि जावेद बागवान संगठन मंत्री और मनोज सक्सेना सचिव एवं सुरेश विश्वकर्मा को विकास खंड सचिव चुना गया। थायराइड को कंट्रोल करने के लिए भुजंगासन करें, जो थायराइड ग्रंथि को नियमित करने में मदद करता है और रक्त परिसंचरण में भी सुधार करता है। केंद्रीय विद्यालय थाने द्वारा कई विषयों में टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों के साथ साथ प्राइमरी टीचर, योग टीचर आदि के पदों पर इंटरव्यू आयोजित किया गया है। उम्मीदवार केवी थाने की आधिकारिक वेबसाइट afsthane.kvs.ac.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। IPL 2022 के लीग मैचों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इस सीजन में 10 टीमें हिस्सा ले रही है और प्रत्येक टीम को 14 लीग मुकाबले खेलने हैं, जहां CSK टीम का पहला मैच 26 मार्च को KKR के खिलाफ होगा। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने सोशल मीडिया पर अपनी मां शर्मिला टैगोर की एक अनदेखी तस्वीर शेयर की है, जिसमें वे सैफ और करीना के छोटे बेटे जय के साथ वक्त बिता रही हैं। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए आप मोबाइल न्यूज 24 को अभी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।